पता है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरान ग्रुप, इसी को हम क्या बोलेंगे 13 ग्रुप। कौन कौन से एलिमेंट है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और गैलियम। क्लियर है, किससे रिएक्ट करेंगे बताइए, बताओ किससे, ऑक्सीजन और। ठीक है, तो जब ये हमने पढ़ा था उस दिन कि ये यहां से यहां तक ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, प्लस थ्री वाले में, ये कौन से ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल है, प्लस वन वाले। ठीक, तो ये सारे मैटर अगर किससे रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन से। पहले हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं, फिर नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, दो टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे। पहला ये क्या शो करते हैं, कौन सा ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, प्लस। ऑक्सीजन क्या शो करता है, माइनस टू। तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, चार्ज को छोड़ दीजिए, सिर्फ नंबर को लिखिए, और उसके बाद क्या करेंगे इसका, तो क्या बनाएंगे ये M2O3 टाइप के क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। क्लियर है, तो फर्स्ट पॉइंट जो आपके नोट्स में लिखा है, व्हेन 13 ग्रुप एलिमेंट और बोरॉन ग्रुप एलिमेंट्स आर फैमिली, व्हेन दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म देयर ऑक्साइड, विच वन टाइप ऑफ ऑक्साइड, M2O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड। क्लियर है बेटा, हेलो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लें, वो भी शुरू में ये तीन, ठीक, तो अगर ये प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे, तो इतना सा अपना लिखते हुए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे क्या बनाएंगे बेटा, ये M2, यहाँ पर मेटल का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, कितना है, अभी प्लस वन वाले भी देखेंगे हम। ठीक, तो रिएक्शन बैलेंस है क्या ये, अरे रिएक्शन बैलेंस है क्या, बैलेंस कर ले जल्दी से करो फटाफट, यहाँ टू है यहाँ टू कर ले, अब बैलेंस हो गई क्या, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ टू, यहाँ कितने हैं, तो कैसा करेंगे, थ्री कर देता हूँ, यहाँ हो गए थ्री, क्या अब तो सिक्स हो गए ना, तो पहले अभी वन है, वन में बैलेंस है क्या, टू में बैलेंस करो, हो रहा है टू में बैलेंस क्या, तो यहां पर भी अब हमको, ठीक, अब ये मेटल यदि प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट वाली है और अगर ऑक्सीजन से मिलेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्साइड, तो किस टाइप की ऑक्साइड, M2, तो पहले बोरॉन अगर बनाएगा तो क्या बनाएगा, B2, अगर एल्यूमिनियम बनाएगा तो Al2O3, अगर गैलियम बनाएगा तो, ठीक है क्लियर, ऐसा नहीं कि ये नहीं बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, लेकिन लेस स्टेबल होंगे या अनस्टेबल होंगे। अगर ये भी बनाएंगे तो इंडियम बनाएगा तो क्या बनाएगा बेटा, और थैलियम बनाएगा तो ये वाले ऑक्साइड कैसे होंगे, क्योंकि कौन से स्टेट में है, प्लस थ्री में क्या होते हैं, क्या होते हैं, स्टेबल, ये वाले प्लस थ्री में कैसे होते हैं, क्लियर है। यहां से जैसे लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि इनके स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, या सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेबल कौन सा होगा, लोएस्ट कौन सा होगा, तो यहां से क्वेश्चन आप आएगा तो सॉल्व कर लोगे आप। समझ आया, इनके ऑक्साइड किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होंगे, कौन से ऑक्सीजन स्टेट में, इनके प्लस वन में होंगे, तो प्लस थ्री में फिर क्या होंगे ये, क्लियर है, इसका उल्टा करेंगे। अब हम प्लस वन ऑक्सीजन स्टेट में देखते हैं,
तो इसकी जनरल रिएक्शन हमने देखा, तो वैसे ही प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी पहले हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। ये मेटल कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी? यहां कौन सा शो कर रही है? प्लस थ्री शो कर रही है। यहां क्या शो? ड्यू टू, अब क्या होगा यहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा, अब क्या होगा? अभी प्लस वन शो करेंगे ड्यू टू इनर्ट एयर इफेक्ट, एस ब्लॉक के या एस सॉरी एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ये डोनेट नहीं करेंगे, या एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में टेक पार्ट, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री से क्या हो जाएगा? प्लस वन। ओ भैया पेन घुमाने वाले, सब दिमाग घुमाओ यहां, चलो खड़े हो जाओ, बताओ किस टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे, क्या लिखूं मैं? ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि पढ़ाते में ध्यान रखा करो, आपके काम आएगा, एग्जाम आपकी होने वाली, मेरी एग्जाम नहीं होने वाली। ठीक है, तो यहां पर क्या बनाएगा? ये MO टाइप का ऑक्साइड बनाएगा कि M2O टाइप का बनाएगा? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज। ठीक है, क्लियर? तो रिएक्शन बैलेंस है क्या? देखो बैलेंस है क्या? है नहीं है, तो क्या करेंगे? क्या बनाएंगे? ये M2 टाइप के ऑक्साइड का चार्ज यहां, इसका चार्ज यहां। अब रिएक्शन को बैलेंस करके देखो, जरा रिएक्शन बैलेंस है क्या बेटा यहां पर? तो क्या करेंगे? यहां टू लगा, अब है क्या बैलेंस? इस ऑक्सीजन के लिए यहां टू लगाना पड़ेगा ना, तो मेटल कितने हो गए आप देखो। ठीक है, अब किसी के लिए भी लिखकर लगा लो जरा, अब बताओ ये प्लस वन में क्या होगा? एग्जाम्पल ले लो, कौन? बोरॉन। बोरॉन किससे मिलेगा? कितने बोरॉन मिलेंगे बेटा? फोर बोरॉन। किससे मिलेंगे? ऑक्सीजन से। क्या बना लेंगे बताओ? टू बी टू ओ टाइप के ऑक्साइड बना लेंगे, बना लेंगे, बनाइए। क्या लिखेंगे यहां बताइए? यहां प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट में क्या बनाएगा? ये बी टू, प्लस वन में क्या बनाएगा? बी टू ओ। तो ये क्या बनाएगा? एल टू ओ। गैलियम क्या बनाएगा बताओ? जी ए टू ओ। इंडियम क्या बनाएगा? और सिमिलरली हेलियम क्या बनाएगा? ठीक है, लेकिन यहां पर कहानी उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? प्लस वन ऑक्सीजन स्टेट में अब क्या होगा? कौन ज्यादा स्टेबल रहेंगे? ठीक है, बताइए जरा। अब ये प्लस वन वाले में लेस स्टेबल या, और ये वाले क्लियर है? ठीक, तो नोट्स में लिखा हुआ है, आपको पता रहना चाहिए। ठीक, ये ऑर्डर क्या होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा किस फॉर्म में, और कौन किस फॉर्म में अनस्टेबल होगा। क्लियर है यहां से? तो ये आपको पहले बता चुका था मैं लास्ट क्लास में कि प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट में शुरू के तीन एलिमेंट क्या होते हैं, लेकिन टॉप टू बॉटम आने पर ड्यू टू इनर्ट एयर इफेक्ट इनके एस ऑर्बिटल बॉन्ड अराउंड में टेक पार्ट नहीं होते, और इस कारण से इनका ऑक्सीजन स्टेट प्लस थ्री से प्लस वन हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये तो होगी बात किसकी? ऑक्साइड्स की। तो नोट में सब लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, और कारण क्या है इसका? ड्यू टू इनर्ट एयर इफेक्ट। ठीक है, गॉट इट? दोनों के आपने जनरल रिएक्शन देख लिया। अगर मेटल किसे प्लस वन में मिलेगी ऑक्सीजन से, तब भी क्या होगा, क्या होगा बताइए? तब भी ऑक्साइड बनाएगा
प्लस थ्री मिलेगा तब भी, और प्लस वन में मिलेगा तब भी, लेकिन प्लस थ्री वाले ऑक्सीजन स्टेट में बनाएगा तब उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला M2O3 होगा, और प्लस वन वाले ऑक्सीजन स्टेट में बनाएगा तो, इतनी बात क्लियर है बेटा? इसमें कहीं किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, ये हो गई रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। क्लियर है? ठीक, उनको मिटा देते हैं यहां से। ठीक है, अब आपको नोट्स में मिलेगा उसके बाद में रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, तो उसकी भी जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, है ना? अब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हो गया, अब रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। देखिए, मेटल है जनरली है या फिर एलिमेंट है, कई जगह नॉन मेटल भी है, मेटलाइट नहीं है, तो हमने जनरली उसको एम से रिप्रेजेंट कर दिया, एम फॉर या मेटल नहीं है, है ना? ठीक, मेटलाइट भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, या मेटल भी, एलिमेंट है कोई, ठीक है, जिसको हमने एम से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। ठीक, फिर किससे रिएक्शन करेंगे बेटा? नाइट्रोजन किस फॉर्म में बनता है नेचर में? सीधा बैठो बेटा, ऐसा नहीं बैठते क्लास। नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? N2 के फॉर्म में रहता है। ठीक, तो ये बना लेंगे MN2। तो इसमें जनरली बोरॉन और एल्यूमिनियम ही आपको ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो कि नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाएंगे। क्लियर है? कौन से स्टेट में रहते हैं लोग बताओ, ज्यादा स्टेबल? नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए? अरे कितने कैरी करेगा? क्यों? रीजन रटना नहीं है। अरे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? इसलिए उस पर चार्ज क्या आएगा? -3। क्लियर है? ठीक, इस पर चार्ज आ गया +3, इस पर चार्ज आ गया -3। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसा लिखेंगे? क्लियर है? ठीक, तो कुल मिलाकर कि बोरान और एल्यूमिनियम जब किससे मिलेंगे? नाइट्रोजन से, तो क्या बनाएंगे? नाइट्राइड। ऑक्सीजन से मिले तो क्या बनाए थे? क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, उसका चार्ज क्या है? माइनस। किसी सिंगल एलिमेंट पे भी माइनस चार्ज का सफिक्स क्या आता है? ऑक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, सल्फाइड। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज होगा तो नाइट्राइड। क्लियर है? रिएक्शन बैलेंस कर ले बेटा। चलो, रिएक्शन बैलेंस है क्या? ये क्यों आया सामने आया कि एमएन क्यों लिखा हमने? बैलेंस करिए, यहां कितने हैं, यहां कितने हैं, हो गया बैलेंस क्या? अब ठीक, एग्जांपल ले ले, बोरॉन किससे मिलेगा बेटा? और क्या बनाएगा? बोरॉन नाइट्राइड। सिमिलरली कौन मिलेगा? एल्यूमिनियम किससे? क्या बनेगा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, अब इनके जो नाइट्राइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? कोवेलेंट। कैसा होता है? कोवेलेंट। आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि बोरॉन नाइट्राइड एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है? तो ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। क्या? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्लियर है बेटा? ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है इनका एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर या एम्फोटेरिक नेचर। इनके ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं कि बेसिक नेचर के होते हैं कि एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं? तो अभी आपने ढंग से अगर समझे होंगे, पढ़े होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो अब आपको आने वाला टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ना है बेटा इनकी?
नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको नोट्स में लिखी हुई मिल जाएगी, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? बेसिसिटी यानी बेसिक नेचर, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर? तो ये सब पहले इनके ऑक्साइड्स की स्टडी कर लेते हैं, देन किसकी स्टडी करेंगे? हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीज ऑर्डर में आपको पूछ सकता है हाईएस्ट कौन सा होगा, लोएस्ट कौन सा होगा। तो नोट्स में आपको यहां पर से ये सब ऑर्डर लिखे हुए हैं, ठीक है, कि कौन सा ऑर्डर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, यहां से आपको समझने का काम करना है। ठीक है, किसका ज्यादा नेचर होगा, कौन कम होगा। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये इनका ऑक्सीजन स्टेट कौन सा बेटा? प्लस थ्री। पहले हम प्लस थ्री वाला ऑक्साइड बनाते हैं। बनाइए, अभी पढ़ा था आपने बोरान ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाया था, इसने इसका प्लस थ्री आ जाएगा और इसका माइनस टू यहां आएगा। तो बोरान अगर ऑक्सीजन से मिलेगा तो इसके ऑक्साइड क्या होगा? बी टू। सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से मिलेगा तो ये क्या बनाएगा बेटा? ये अच्छा, अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर बाद में करेंगे अपन। ठीक है, पहले हम देख लेते कि ये बनाएंगे क्या। गैलियम अगर ऑक्सीजन से मिलेगा तो बताओ। ठीक, अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। ये प्लस थ्री और प्लस वन दोनों वाले ऑक्साइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ठीक, ये आपको यहां लिखा मिलेगा नोट्स में, उसको देखकर कंफ्यूज मत होना, है ना। ये नोट्स में आपको दोनों ऑक्साइड मिलेंगे बेटा, है ना। ठीक है, बी और सी वाले बच्चों देख लो, यहां पे लिखेगा तो कंफ्यूज ना, ये लिखोगे तो आप कंफ्यूज मत होना कि दो दो ऑक्साइड कहां से आ गए। दोनों ऑक्साइड रहेंगे इसके, प्लस थ्री वाले भी रहेंगे और प्लस वन वाले भी रहेंगे। तो प्लस थ्री वाला और प्लस वन वाला दोनों लिखेंगे यहां पर। ठीक, चलिए देन क्या होगा? इंडियन के दोनों ऑक्साइड बताइए क्या बनेंगे? आयन टू ओ थ्री एंड बताइए, ऐसे ही इसके भी दोनों ऑक्साइड रहेंगे। ठीक है, क्या? Cl टू ओ थ्री एंड क्लियर। ठीक, अब आपके पास लिखा हुआ है नोट्स में, है ना, कि ये कौन सा नेचर? इसका नेचर एसिडिक है बेटा। कैसा है इसका नेचर? किसका? एल्यूमिनियम का। बताया मैंने आपको जनाब अली पंजाबी सॉन्ग, तो अली में अली फॉर एल्यूमिनियम था। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। क्लियर है? ठीक, तो अब आप देख रहे हो, तो अब ये वाले नेचर कैसे होंगे इनका? इनका नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर। ठीक है, तो ये बेसिक नेचर अगर हम देखेंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो इनका क्या हो रहा है? एसिडिक नेचर कम हो रहा है और बेसिक नेचर, पहले एसिडिक से क्या हुए? एम्फोटेरिक, फिर एम्फोटेरिक से क्या हुए? इसका मतलब कि इनके ऑक्साइड्स का टॉप टू बॉटम आने पर ऊपर वाला कौन है? एसिडिक नेचर का, उससे नीचे वाला, उससे नीचे वाले। इसका मतलब टॉप टू बॉटम आने पर इनके ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर बढ़ता है। क्यों? एक और कारण, टॉप टू बॉटम आने पे इनका मेटलिक नेचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। इज दैट क्लियर? जितना ज्यादा मेटलिक प्रॉपर्टी होगी, टॉप टू बॉटम आने पे मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है। इस कारण से जितना ज्यादा मेटलिक नेचर होगा तो उसके ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर भी उतना ज्यादा होगा।
ठीक है। तो ये देख लिया आपने कि इनके ऑक्साइड्स का क्या है, ये कैसे नेचर का है बताओ, कैसे नेचर का है। और लास्ट के ऑक्साइड्स आपको कैसे मिलेंगे, अच्छा ये वाला, ये दोनों ना है, ये वाला राजा ना कुटिक जनाबे अली जनाबे अली, कैसे सॉन्ग गाया करो, पंजाबी सॉन्ग गाया करो। तो गेली माया, अरे गेली माया की नहीं, एल्यूमिनियम आया, ठीक है। तो अभी हमारे काम के कौन है, इसके पहले हमने कहाँ पढ़ा था इसको, अरे इसको कहाँ पढ़े थे, एस ब्लॉक में पढ़े थे कि नहीं, इसमें लिखे थे अपने एक्सेप्शन में मेरिडियन एनामलस प्रॉपर्टी शो करता है, एब्नॉर्मल बिहेवियर शो करता है, क्यों करता है, बिकॉज इसके अंदर में चार पॉइंट कॉमन थे आपको पता है, एक और कारण कि इसके ऑक्साइड कैसे होंगे। ये ट्रिक किसके लिए, जनाबे जनाबे अली क्या गाया करो, सॉन्ग गाया करो, कैसे गाया करो, सब मिलके गाया करो, ठीक है, और ऐसे गाया करो। ये तो रिपीट हो गए यहाँ पर, फिर भी आप ट्रिक बनाने के लिए इसको रिपीट करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है बच्चों। अभी हेड डाउन कर लो, है ना, नंबर भी डाउन होंगे दिमाग में और मीटर भी डाउन होगा और सब कुछ डाउन होगा, है ना, ठीक ठीक है। इंटरेस्ट नहीं आना, पढ़ाई में नहीं आना, आपको लाना पड़ेगा, पढ़ना है तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सारे ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, इनके कैसे नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब दे कैन शो एसिडिक एज वेल एज, क्लियर है। तो बोरान का ऑक्साइड कैसे नेचर का होगा, एक ही ग्रुप के हैं लोग, लेकिन तो बिहेवियर इनके ऑक्साइड का अलग अलग है, एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड का बिहेवियर। और इन लास्ट वाले कौन से, लास्ट वाले कौन कौन से, इंडियम और इनके ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, और इन दोनों में भी बोले कि इनके ऑक्साइड का नेचर किसका ज्यादा होगा, तो पढ़े हो ना आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर एसिड और बेस, पढ़ाया सर ने आपको, सीएल क्लोरीन वाला एग्जांपल दिए थे, सीएल टू ओ सीएल टू ओ थ्री सीएल टू ओ फोर माइनस चार्ज वाला ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताए थे। ऑक्सीजन बढ़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल है, कैसी है, और कार्बन डाइऑक्साइड एसिड नेचर की है, तो ऑक्सीजन के ऐड होने पर क्या बढ़ा, न्यूट्रल से क्या हो गया ये, अरे एक ऑक्सीजन था ना, यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए, टू ऑक्सीजन हो गए। तो ऑक्सीजन के बढ़ने से कौन सा नेचर बढ़ता है, अरे कौन सा नेचर बढ़ा, बढ़ा कि नहीं, कोई आपसे पूछे कि H2SO3 ज़्यादा एसिडिक होगा कि H2SO4, तो क्या बताओगे, ज़्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन नंबर ही बढ़ रहा है यहाँ पे, प्लस फोर से यहाँ प्लस सिक्स हो जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से भी एसिडिक नेचर बढ़ता है। मेन कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, ये फ्लक्स थ्योरी थी, ये फ्लक्स थ्योरी थी, फ्लड और लक्स नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने बताई थी ये थ्योरी कि ऑक्सीजन ऐड होने पर एसिडिक नेचर या एसिडिक प्रॉपर्टी या एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्लियर है। कोई आपसे पूछे कि बताओ नाइट्रस एसिड ज़्यादा एसिडिक है कि नाइट्रिक एसिड, बताओ, क्लियर है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन बढ़ने से क्या हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, ठीक। तो फिर ऑक्सीजन के ऐड होने से या इंक्रीज होने से क्या बढ़ रहा है, इसका ठीक उल्टा क्या होगा, जब एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर क्या होगा, क्या होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करो, ये नोट्स में नहीं, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। अब इन दोनों में बताओ क्या हो रहा है, यहां से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, इसका मतलब
इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोरिलेशन है कि नहीं है? तो ऑक्सीजन कम होंगे तो क्या होगा? बेसिक नेचर। तो यहाँ थ्री ऑक्सीजन है, यहाँ तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिक नेचर क्या होगा? किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा? सिमिलरली Cl2O3 का बेसिक नेचर ज्यादा होगा कि Cl2O का होगा? बताओ बेटा, आप बताओ इन दोनों में किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, क्यों होगा? Cl2O का, क्यों? लिख बाद में लेना, समझ पहले, ठीक है? क्यों होगा? बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो गया दोनों का, है ना? क्लियर है? यहाँ क्या है? अरे प्लस थ्री है, और यहाँ क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था इसके पहले, बढ़ रहा था ना? H2SO3 में H2SO4 में ऑक्सीजन के साथ साथ इसका क्यों बढ़ रहा है? ऑक्सीजन बढ़ेगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एज कम्पेयर टू सल्फर। तो यहाँ इसने थ्री ऑक्सीजन थे, फोर इलेक्ट्रॉन खींचे, फोर ऑक्सीजन हो गए तो ज्यादा खींचेंगे, तो ऑक्सीजन के बढ़ने से ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ता है। तो ऑक्सीजन बढ़े, या फिर इसको और ऐड कर लेते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़े, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़े, या फिर क्या बढ़े? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, क्या होगा? एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ये सर नो, इसका ठीक उल्टा। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? कम हो तो क्या होगा? बेसिक नेचर। तो यहां देखो, ऑक्सीजन भी कम हो रहे और ऑक्सीडेशन नंबर भी कम हो रहा है। अरे ऑक्सीजन भी कम हो रहे ना, और तो इसका मतलब, इसलिए Cl2O3 से ज्यादा बेसिक, Cl2O3 से ज्यादा बेसिक। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है? जिसको ये नोट कर रहा हो कर लो, नोट्स पे लिखा नहीं काम आएगा आपके। तो ये हो गया आपका क्या? इसलिए आपने देखा कि टॉप टू बॉटम जाने पे ये कैसे थे? एसिडिक थे। ये कैसे थे? ये कैसे हैं? तो यही सेम किसके साथ होगा? इनके हाइड्रोक्साइड के साथ होगा। किसके साथ होगा? हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? नोट्स में मिलेगा आपको। ऑक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। जनाब अली, कौन कौन से एलिमेंट अभी तक आपको जो पढ़ने में आ गए? बेरिलियम के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, अभी बताया ना जनाब अली, कैसे नेचर के होते हैं? तो एक इंपॉर्टेंट नोट मिलेगा आपको नोट्स में, क्या? कि बेरिलियम जनाब अली, पंजाबी सॉन्ग गाया, तो बेरिलियम कहाँ का है? एस ब्लॉक का। एल्यूमिनियम गैलियम कहाँ के है? सी ब्लॉक के। इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड कैसे नेचर के होंगे? एम्फोटेरिक नेचर के, ठीक है? तो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड, मेरे प्यारे बच्चों बता के बोल के बताओ, क्या? गैलियम। फिर से बोलो, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरियम, बेरियम नहीं, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर, याद रहेगा, पूछे जाएगा आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में, कंपटीशन में, जहाँ एक्सेप्शन होते हैं, इनवाई केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, पूछ जाते हैं बच्चे, नहीं बनते जनरली। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़े। तो जैसा भी आपने अभी देखा कि इनके कौन ऑक्साइड, ठीक है, अलग अलग नेचर के हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, किसी के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हैं तो किसी के ऑक्साइड डाइट बेसिक पहुंच गया, बीच में है ना एम्फोटेरिक, अभी किसी के ऑक्साइड कैसे नेचर के हैं? किसी के ठीक है, इसलिए आपको, आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि टॉप टू बॉटम जाने पर ऐसा होगा, अलग अलग नेचर होगा, किसी का एसिडिक होगा, किसी का,
लेकिन एक बात आप जनरलाइज कर सकते हो क्या, कि टॉप टू बॉटम जाने पे कौन सा नेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब कौन सा नेचर कम हो रहा है। क्लियर है? तो आपने देखा कि टॉप टू बॉटम जाने पर इनके ऑक्साइड्स का कौन सा नेचर बढ़ रहा है, अरे कौन सा नेचर बढ़ रहा है, बेसिक नेचर। इसका मतलब इधर आने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर कौन सा नेचर बढ़ रहा है, मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, ऐसा कौन सा नेचर बढ़ रहा है। लेकिन बॉटम से टॉप में आएंगे तो, चलो ये एक बात है। दूसरी बात, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, इसका मतलब एसिडिक नेचर टॉप टू बॉटम आने पर। क्लियर है? ठीक है बच्चों, आगे बढ़े ऑक्साइड पे, ये पे अब हम पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, तमाशा नहीं करो बेटा, तुम्हारा तमाशा बना दूंगा मैं, क्या मतलब रहेगा, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। ठीक है, सिमिलरली क्या इनके हाइड्रोक्साइड भी बने, क्या बनेंगे, हाइड्रोक्साइड भी बनेंगे। ठीक, आपको पता है कि OH के ऊपर क्या चार्ज होता है, माइनस वन, क्यों होता है, O के ऊपर माइनस टू, H के ऊपर प्लस वन, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, क्या बचा, माइनस। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इसलिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्साइड। ठीक, ये शुरू वाले तीन क्या शो करेंगे, प्लस थ्री शो करेंगे, तो क्या होगा इनका फॉर्मूला, इनके हाइड्रोक्साइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, वन यहाँ आएगा, देख के क्या लगता है ये OH है ना, एक्चुअली ये क्या है, H3BO3 बोरिक एसिड, कैरम में जो पाउडर यूज करते, कभी पढ़ना उसको, एंटीसेप्टिक नेचर का भी होता है। ठीक है, ठीक, पहले यूज करते थे इसका एंटीसेप्टिक, वुंड हीलिंग में कई इंजरी हो जाए, वुंड हो जाए, उसमें यूज करते थे बोरिक एसिड का। ठीक है, तो ये देखकर क्या लगता है, कौन सी थ्योरी, RNAS थ्योरी, देख के क्या लगता है, ये OH है, OH जनन करने वाले बेस, लेकिन क्या है ये, एसिडिक नेचर का, ध्यान रखना। क्लियर? तो आगे वाले भी क्या बनाएंगे, अरे जैसे बुरान ने हाइड्रोक्साइड बनाया वैसे क्या होगा, कौन बनाएगा, एल्यूमिनियम, क्या बनाएगा, फिर कौन बनाएगा, गैलियम। क्लियर है? अरे क्लियर कि नहीं? तो इसके ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, कैसे नेचर के होंगे, एक एक मात्र यही है एसिडिक नेचर का। ठीक है, उसके बाद इनके एल्यूमिनियम और गैलियम के क्या हो, ऑक्साइड हो या कैसे नेचर के होंगे, लिखा है ऊपर में, कैसे नेचर के होंगे। क्लियर? फिर जैसे इन्होंने अलग अलग ऑक्साइड बनाए थे, ठीक वैसे ही अलग अलग, क्यों, क्योंकि ये बोलते भैया हम अपने एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे, हम ऐसे स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट एयर इफेक्ट। ठीक है, क्या बनाएंगे बताइए जरा, अगर आयन बनाएगा तो आयन OH का होल थ्राइस एज वेल एज आयन OH, क्यों, प्लस वन शो करेगा और ये माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे क्या फिर हम, नहीं लिखेंगे। क्लियर है बेटा? और उसके बाद क्या होगा, इंडियम, इंडियम अगर किस, सॉरी थेलियम, किससे मिलेगा, हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनाएगा, पहले थ्री वाला क्या बनाएगा और बाद में इनके हाइड्रोक्साइड कैसे नेचर के होंगे, इनके ऑक्साइड हो चाहे
कैसे नेचर के होंगे, समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक है, समरी क्या हुई बेटा? ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, इनकी स्टडी कर रहे हैं। तो क्या पढ़ा आपने? बोरॉन का ऑक्साइड होता है, कैसे नेचर का होगा? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होता है, कैसे नेचर के होंगे? इनके ऑक्साइड होता है, कैसे नेचर के होंगे? पहली बात। दूसरी बात, टॉप टू बॉटम जाने से इनका बेसिक नेचर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, सब पता है आपको, क्लियर है? ठीक है बेटा। और क्यों कम हो रहा है, ये दो क्यों बना रहे हैं, दो ऑक्साइड बना रहे हैं, दो हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में टेक पार्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते बता चुका हूं, ठीक है? तो क्या होगा, इसलिए टू ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। कौन सी वाली ज्यादा स्टेबल है टॉप टू बॉटम आने पर? इसकी स्टेबिलिटी शुरू के एलिमेंट की प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल है नीचे वाले एलिमेंट की, इसलिए ये दोनों बनाएंगे, ये वाले ज्यादा स्टेबल होंगे। तो इनके ऑक्साइड का नेचर टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, इनके ऑक्साइड का नेचर टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? किसका? बेसिक नेचर, बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर। सिमिलरली इनके हाइड्रोक्साइड का भी एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है और बेसिक नेचर। ये वो सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या, कॉमन क्या निकाले आपने इसमें से? बेरिलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम, इनके ऑक्साइड हो या कैसे नेचर के होते हैं? क्लियर है बच्चों, समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? घर जाओ पियो रसना नींबू पानी, ठीक है बच्चों? आगे बढ़े, चलिए तो नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड हाइड्रोक्साइड हैलाइड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने पर बढ़ती है, वो समझा देता हूँ मैं, ठीक है? इसको मिटा दे, है ना, समझ लिए? आगे बढ़े बेटा, चलो नेक्स्ट मिलेगा आपको एसिडिटी, यानी कि एसिडिक नेचर। भाई बेटे खत्म कर देते, थोड़ा सा बचा है तो लगे आप पढ़ लियो, तो वो कनेक्ट कर लोगे, दो मिनट बस लगेंगे ना, नहीं तो फिर तुमको नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक को पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक? तो एसिडिटी ऑफ, है ना, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन, किसकी एसिडिटी या किसका एसिडिक नेचर? पहला ऑक्साइड, दूसरा ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड जिनमें ऑक्सीजन रहता है ना, जैसे कि HCl है इसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीजन इसमें क्या है? ऑक्साइड, ऑक्सीजन है। अरे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि नहीं है? HOCl बनाएगा, HOCl3 बनाएगा, HOCl, है ना, तो ये अलग अलग कंपाउंड बनाएगा। तो इनके अगर एसिड में ऑक्सीजन आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सी एसिड, क्लियर है? और क्या बेटा, इनके हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, क्लियर है? और है ना हैलाइड, ठीक, इनके क्या हो? ऑक्साइड हो, ऑक्सी एसिड हो, हाइड्रोक्साइड हो या हैलाइड, किनके? 13 ग्रुप, यानी कि क्या होगा, बढ़ेगी तो, क्लियर है? ठीक, तो और इलेक्ट्रॉनिटी कम होगी तो, क्लियर है? तो बोरॉन और एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, क्या होती है? एग्जाम्पल समझ लो इसका, इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या होती, हमको नहीं मालूम क्या होती है, लेकिन हमको मालूम है टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब
अभी देखे थे आपने ना, अभी आपने देखे टॉप टू बॉटम गैसेस क्या हो रहा था, है ना। यहां से बेसिक नेचर बढ़ रहा था, इसका मतलब तो आपने पढ़े हो कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या कम होती है, इसलिए एसिडिक नेचर किसका किसका सबका। अगर मैं बोलूँ इसका हैलाइड बोरॉन अगर मिलेगा, ठीक है, तो मान लो इसने बना लिया BCl3, क्या बना लिया, और ये क्या बनाएगा। कोई आपसे पूछे बताओ इनके हैलाइड्स में किसका हैलाइड ज़्यादा एसिडिक होगा, किसका कम होगा, तो आपको मालूम है कि टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एल्यूमिनियम की, इसलिए इसका एसिडिक नेचर भी कम होगा, इसलिए ये एम्फोटेरिक हो गया था, इसलिए एसिडिक से और उसके नीचे वाले बेसिक हो गए थे। क्लियर है। अगर यहाँ पे मैं GaCl3 लिख दूँ तो क्या होगा, क्या हो रहा है बेटा, ये एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो रही, क्या हो रही हम कम इनकी, तो टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनिटी कम होती, इसलिए इनका एसिडिक नेचर भी कम हो रहा है। क्लियर है। तो अगर कोई पूछे आपसे तो ये सारे याद रखना, ऑक्साइड ऑक्सीएसिड हो, हाइड्रोक्साइड हो या, अभी इसकी स्टडी हमने कर लिए थे, इसकी मैंने बता दिया, ऑक्सीएसिड आपको सर ने बताया है, पर ट्वेल्थ में भी आएगा डिटेल में, अभी इतना ही काम का है, समझ में आया। अभी देखे बेटा आपने ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का क्या हो रहा था, अभी आपने सिक्वेंस देखे ना, यहाँ पे अपन बोर्ड में हमने भले लेफ्ट राइट लिखा था लेकिन उनकी पोजीशन कैसी है, तो दोनों में देखा आपने, ऑक्साइड में देखा और क्या हुआ रहा बताओ, कैसा होता बेटा, बेसिक नेचर, इसका मतलब एसिडिक नेचर। फिर आपने क्या देखे कि टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनिटी क्या होती है, इसलिए उनका एसिडिक नेचर, इसलिए बेसिक नेचर, देखे थे आपने अभी, ठीक है बच्चों, इतना ही काम का है, तो पढ़िएगा आगे का टॉपिक अब आपकी क्लास में या हमारी क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, चलो नाउ यू कैन गो।